ज्यादातर ट्रेन्स आखिर ब्लू कलर के ही क्यों होते हैं? आपने इस मीम को कई बार देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हो कि इस मीम में जो ये शख्स है ये आखिर कौन है? और क्या आप जानते हो कि यूरेनस जो सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है उसका नाम सबसे पहले जॉर्ज रखा गया था? और गैलेक्सी का जो ये सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल रास्पबेरीज की तरह स्मेल करता है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 11, सुबह टाइम पर उठने के लिए हम न जाने कितने अलार्म सेट करते हैं और जब अलार्म बजने लगता है तब हम उसे सिंपली ऑफ कर देते हैं और वापस से सो जाते हैं। पर ये एक ऐसा स्नूजलेस अलार्म है जो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उठकर इस पर खड़े नहीं हो जाते। वाकई में ये टेक्नोलॉजी काफी अमेजिंग है। नंबर 10, इस फोटो में आप जिस पेड़ को देख रहे हो उसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है और ये सोकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है। ये ट्री काफी रेयर होता है और इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि ये पेड़ ऊपर से एक फील्ड की तरह दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, इसके ब्रांचेस पर कोई भी पत्तियां नहीं है, सिर्फ ऊपर ही पत्तियां हैं, इसलिए ये दुनिया की सबसे यूनिक ट्रीज में से एक है। नंबर 9, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने इस इमेज को कभी ना कभी देखा ही होगा। यह है याओ मिंग। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलते हैं। नंबर 8, आप सब डेली स्कूल तो जाते ही होंगे, पर क्या आप जानते हो कि स्कूल का फुल फॉर्म आखिर क्या है? स्कूल का फुल फॉर्म है स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज लर्निंग। क्या आपको इसके बारे में पता था? नंबर 7, ये इमेज जो आप देख रहे हो वो एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम का है। इस पेंटिंग को 1925 में मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था और इसे बनाने में उन्हें 1500 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। ये जो डायग्राम है ये नॉर्मल आर्ट नहीं है, बल्कि ये डायग्राम हर नर्व को दिखाता है जो हमारे शरीर में मौजूद है। नंबर 6, ये तो हम सब जानते ही हैं कि दुबई के होटल्स जो है वो क्वालिटी और लग्जरी के मामले में सबसे आगे हैं। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो दुबई के किसी भी होटल में फ्री में कितने भी दिन रह सकते हैं? पहले इंसान है दुबई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और दूसरे इंसान है शाहरुख खान। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में और भी कई एक्टर्स हैं तो सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि शाहरुख खान दुबई टूरिज्म के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। नंबर 5, बहुत से लोगों को रात में सोने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कई लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती है। पर एक स्टडी में ये पता चला है कि अगर आप बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से दूर रहकर एक हफ्ते कैंपिंग पर जाओगे तो आपकी बॉडी का जो स्लीप साइकिल है वो रीसेट हो जाएगा और फिर जैसे ही रात होगी वैसे ही आपको नींद आने लगेगी और सुबह होने पर आप अपने आप जाग जाओगे। नंबर 4, सपने तो आपको आते ही होंगे, भले ही आपको सपने याद हो या ना हो, पर क्या आप जानते हो कि एक एवरेज इंसान को एक साल में 1460 ड्रीम्स आते हैं और कुछ टाइम तो उसे रात में 2 से 3 सपने आते हैं। और अगर एक इंसान 75 इयर्स तक जीता है तो उसे अपनी लाइफ में ऑन एन एवरेज 136,875 सपने आए होंगे। और गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा है। नंबर 3, ये फैक्ट सुनने में काफी अजीब है, पर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि स्पेस में गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल रास्पबेरीज की तरह स्मेल करता है और इतना ही नहीं वो रास्पबेरीज की तरह टेस्ट भी करता है। है नहीं काफी अजीब बात? दरअसल साइंटिस्ट को ये पता चला है कि गैलेक्सी के सेंटर में इथाइल फॉर्मेट नाम का केमिकल भारी मात्रा में एग्जिस्ट करता है और इथाइल फॉर्मेट ही वो केमिकल है जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को उनका सेंट और टेस्ट देता है। इसलिए इथाइल फॉर्मेट की वजह से गैलेक्सी का जो सेंटर है वो रास्पबेरीज की तरह स्मेल और टेस्ट करता है। नंबर 2, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है, पर क्या आप जानते हो कि यूरेनस का असली नाम क्या है? यूरेनस नाम से पहले इस प्लैनेट का नाम था जॉर्ज, जिसे विलियम हर्शल ने रखा था। साल 1781 में जब विलियम हर्शल ने इस प्लैनेट की डिस्कवरी की थी तब उन्होंने इस प्लैनेट का नाम किंग जॉर्ज 3 को ट्रिब्यूट देने के लिए जॉर्ज रखा, क्योंकि वो उनके इंस्पिरेशन थे। नंबर 1, आजकल के जितने भी ट्रेन्स आप देखते हो वो ज्यादातर ब्लू कलर की ही होती है, तो ये ब्लू कलर ICF के कोचेस पर किया जाता है और ये जो ट्रेन के कलर्स है वो इनके स्पीड लिमिट को दर्शाता है। अगर ट्रेन का कलर ब्लू है तो उसकी स्पीड लिमिट होगी 70-140 किलोमीटर पर आवर और ज्यादातर सुपर फास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेन ब्लू कलर के ही होते हैं। शताब्दी और राजधानी के ट्रेन्स रेड कलर के होते हैं क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन्स होते हैं और इनकी स्पीड लिमिट होती है 150 किलोमीटर पर आवर। इनके कलर से ही इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और इन्हें बाकी मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन से आगे जाने दिया जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।